दी। क्या हुआ? ये लड़की कौन है? ये गरीब बदतमीज लड़की यहाँ कैसे आई? बहुत बड़ा अपशकुन हो गया सासु माँ। तुम यहां क्यों आई हो? ये चोरी करने आई है दादी। वंश, ये क्या? ये किसने किया? सब इसी ने किया है दादी। कल भी इसने रेस में मुझे चोट पहुंचाई थी और आज ये मेरा रेस में जीता हुआ कब चोरी करने आई है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे भी चोर निकलेंगे क्या सासू माँ? मेरे इतने शुभ दिन को अशुभ कर दिया इस लड़की ने। मैं वंश ठाकुर का चेहरा देखना चाहती थी ताकि बेटे पैदा हो। अब इस मनहूस लड़की की शक्ल देख ली, कहीं इसके जैसी बेटियां ना पैदा हो जाए। ससुर, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। हमारे परिवार में हमेशा बेटे ही पैदा हुए हैं, आगे चलकर भी बेटे ही पैदा होंगे। जी सासुमा। बताओ नानी, मेरी डोरी का बताओ। नानी, अगर मेरी डोरी को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। कहाँ है मेरी डोरी? कहाँ गई होगी? हसी गाड़ गई होगी, गाय गाड़ गई होगी, या कहीं और गई होगी? कहाँ भेजा मेरी डोरी को? हाँ बेटवा, हम जो की है तुम्हारे लिए की है। तुम्हारी नानी है, तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। डोरी मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आत्मा है। उसको मुझसे दूर भेजकर क्या भले का काम किया आपने? हा? क्या भलाई मेरी इसमें? अरे जान जाते जाते बची है तेरी उसकी वजह से। अरे क्यों बच गया मैं? मर क्यों नहीं गया? कम से कम जब डोरी मेरे सामने आएगी तो उससे नजर तो नहीं झुकानी पड़ेगी मुझे। तू ऐसे रो रहा है, ऐसे कलप रहा है जैसे वो तुरी कोई अपनी थी। अरे अनाथ नहीं थी डोरी, अनाथ नहीं थी। मैं उसका बाबा हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, दोनों हूँ मैं उसके लिए, सब कुछ हूँ मैं उसका। अनाथ नहीं मेरी बच्ची, आपको पता है ना, जब डोरी झांकती है तो मेरी सुबह होती है, जब वो सोती है तो मेरी रात होती है। इतने रुमाल भी नहीं सिए मैंने जितने मैंने उसके लिए सपने बुने। जब पहली बार वो अपने घर में आई थी तो आप डर गई थी कि उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा मैं। पर आपको पता भी चला उस नन्ही डोरी ने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। आप जानती हैं दुनिया के सारे बाबा और बेटी में एक समान बात क्या है? सारे बाबा अपनी गुड़िया से प्यार करते हैं। डोरी मेरी गुड़िया है और आपने
आपने उसे मुझसे दूर कर दिया, आपकी वजह से मेरी डोरी खो गई, दूर हो गई मुझसे। आपके रोज रोज के ताने सुन के वो रोज एक रोटी कम खाती थी ताकि आपको कम ना पड़े। जब भी मैं उसके लिए कुछ लाता था तो वो चुपके से मेरे कान में आके बोलती कि नानी के लिए क्या लाए हो। और आपने उसे बुरा भला इसलिए कहा क्योंकि उसने सिर्फ मेरे से एक जोड़ी चप्पल मांगे। अरे ये मेरी मशीन देख रही हैं आप, ये डोरी ने रेस में नंगे पांव धूप में दौड़कर नीलू जी से वापस लेकर आई है मेरे लिए मेरी बच्ची। और आपने उस मासूम को मनोज का नाम दे दिया। दुनिया के मां बाबा अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, उनको हिम्मत देते हैं, उनको ताकत देते हैं, उनको प्यार देते हैं, सहारा देते हैं, खुशियां देते हैं। पर ये सारी चीज मेरी डोरी मुझे देती थी। अब बताओ आपके डोरी को मुझसे दूर भेजने में अनाथ कौन हुआ? हाँ, डोरी या मैं अनाथ हो गया हूं आपकी वजह से। अनाथ हो गया हूं मैं। लोग कहते हैं अगर भगवान को मिलना है तो बनारस चलो, वहां गंगा है। तो आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई नानी, आपके तो घर में ही गंगा है। नानी कान खोल के सुन लो, अगर आपके इस घर में मेरी डोरी के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो आपके इस घर में मुझे भी नहीं रहना मुझे आपके इस घर में। मेरी बच्ची कहाँ ढूंढूं मैं उसे, कहाँ गई? नाम डोरी और काम चोरी, तूने सोच भी कैसे लिया ठाकुरों की हवेली में आकर चोरी करने का? मैं चोरी करने नहीं आई थी, ये मेरे पीछे भाग रहा था इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तू लड़की पैदा हुई है, ये है तेरी सबसे बड़ी गलती। हमारे घर में आकर हमारी बहू की गोद भराई की रस्म तूने खराब की, ये है तेरी गलती। एक लड़की होकर अपनी शक्ल तूने आईने में देखी, ये है तेरी गलती। क्यों किया तूने? बोल। ये क्या बोलेगी मां? आप बोलिए, इसको ऐसी सजा दूंगा ना? नहीं, इसे सजा मत दीजिए। ये चोर नहीं है, मैं जानती हूं इसे। हमने खुद उसे चुराते हुए देखा है मंजली बहू। जिद्दू को मेरा हाथ भी काटा भी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है वंश। इसे मैं लेकर आई थी मंदिर से।
खाना देने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मालूम था ना कि आज आईना दिखाए के रस्म के दिन किसी भी लड़की का इस घर में आना सख्त मना है। अगर आज तुम्हारे ससुर तुम्हारी ये बात सुनते ना तो इस घर में अनर्थ हो जाता। कहीं आप ये तो नहीं चाहती थी ना कि हमें बेटी पैदा हो, ताकि इस पूरे घर में आपका बेटा वंश ठाकुर उसका नाम और दबदबा बना रहे? नहीं नहीं कोमल, इस घर में बेटी पैदा हो ये बद्दुआ मैं किसी को नहीं दूंगी। मुझे मेरी बच्ची दे दो, रोको, मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर मत जाओ। माँ जी, गलती मेरी है, आप इसे जाने दीजिए। ये चोर नहीं है, जाने दीजिए इसे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आनंद, इस बच्ची को उठाकर बाहर फेंकवा देना। डोरी आंखें खोलो बेटा, डोरी डोरी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें डोरी, क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। बेटा आंखें खोलो, डोरी डोरी। आनंद, इस अपशकुनी को उठाकर बाहर फेंकवा देना। नहीं, मैं इसे इसके घर पहुंचा दूंगी। छोटी है, बच्ची को चोट भी लगी है। वाह मछली बहू वाह, खुद के बेटे के लिए दूध नहीं उतरा तेरी छाती से, और इस लड़की के लिए तेरे दिल में ममता भर आई। आनंद, इस लड़की को फेंक दो बाहर। ऐसा मत कीजिए, इसे होश आने दीजिए, ये अपने आप चली जाएगी, ऐसा मत कीजिए। अब और एक शब्द नहीं। तुम्हारे बेटे को चोट आई है, अपने आंसू पोंछो, जाकर उसको संभालो। छोटी सी बच्ची, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। डोरी, 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 इसीलिए बेटियों के पाँव हम नहीं पड़ने देते हमारे इस घर में। बेटियों का जीवन में प्रवेश, उसके बाद बस कलह कलेश। मंजली बहू, हमें उस लड़की की एक छोटी सी छाप भी नहीं चाहिए इस घर में। मिटा दो उस लड़की के पाप का हर दाग हमारे घर से।
पता नहीं बेचारी दूरी किस हाल में होगी। छोटी बहू चलो। माँ वो शुक्ला जी आए। डोरी मेरे बच्चे कहाँ है तू? डोरी कहाँ है तू? हर जगह ढूंढ लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को नहीं पता कहाँ है तू मेरी बच्ची। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाने गया था पर उन लोगों ने कहा कि 24 घंटे तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इतनी देर में तो तेरा बाबा मर जाएगा डोरी। हे संकट मैया, मेरी बच्ची कहाँ है? कसम गंगा मैया की ठकुराइन, नाश्ता देखकर तो ऐसा लग रहा है कि डिजाइन एकदम जबरदस्त है। लेकिन शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों से ना हो पाएगा। अरे नहीं शुक्ला जी, अरे डिजाइन बहुत से बनाए हैं, बस फिनिशिंग बाकी है। वाह आनंद बाबू वाह, क्या बात है। अरे भाई हमने जो आपको फिनिशिंग टच के लिए समय दिया था, अगर वो फिनिश हो जाए फिर? दादी ये दुपट्टा यहाँ क्या कर रहा है? ट्रक को कचरा आग में डालना है। बस बस रुक जा।